नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं BSTC 2020 के रिजल्ट के बारे में कि जो BSTC का रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। आप सभी को पता है 31 अगस्त को BSTC का पेपर हो चुका था। अब आप सभी को BSTC का जो रिजल्ट है उसका इंतजार है कि ये रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है। क्या BSTC के रिजल्ट को लेकर कोई नई नोटिफिकेशन या कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई है? कब तक किया जाने वाला है रिजल्ट जारी, इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला मैं कोई भी BSTC से संबंधित वीडियो छोड़ूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे बात कहूँ तो वो तो स्पष्ट है कि जो BSTC का रिजल्ट है वो इस बार बहुत जल्दी जारी किया जाना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इस बार जल्दी क्यों किया जाने वाला है, कोई कारण होगा? तो मैं आपको कारण बताता हूँ जल्दी जारी करने का। तो आपको पता है पिछले साल जो कार्यालय था वो कहाँ था? वो था बीकानेर। तो अब आप सोचेंगे बीकानेर था तो पिछली बार बीकानेर ही था, इन्होंने कितनी लेट की थी? तो पिछली बार लेट की थी इसी कारण ये जल्दी करने वाले है। आपको पता है पिछली बार इन्होंने बहुत लेट कर दी थी, बीकानेर कार्यालय ने, बीकानेर संभाग है जिसका इंद्र, आपको पता है जो कार्यालय है वो, तो इन्होंने BSTC के रिजल्ट को पिछली बार बहुत लेट कर दी थी। इसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, इनकी बहुत बेइज्जती हुई थी क्योंकि पिछली बार इनका फर्स्ट ईयर था, इनके जो अधिकारी थे उनको अच्छा अनुभव नहीं था। लेकिन इस बार इनका जो दूसरा साल है इनके अधिकारी को भी अनुभव हो गया है, इनका पूरा काम जचा हुआ है और इस साल ये पहले साल जैसी गलती नहीं करनी चाहते क्योंकि पिछले साल इनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। तो इसलिए ये बहुत जल्दी रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेंगे बीकानेर कार्यालय। तो आपको पता है बीकानेर कार्यालय को BSTC का जो कार्यभार है वो सौंपा गया है। तो एक और कारण की मैं बात करूं तो आपको पता है कि जो BSTC का पेपर है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तीसरे या चौथे महीने में हो जाता था, लेकिन इस बार कोरोना COVID-19 की वजह से BSTC का जो पेपर है उसे बहुत लेट हो गई है और उसी लेट के कारण अगर आगे और रिजल्ट में देरी की गई तो बाद में अगला साल लग जाएगा और BSTC का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए BSTC का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेगी सरकार क्योंकि COVID-19 की वजह से बहुत लेट हो गई है पहले ही एग्जाम को, अब वो रिजल्ट के अंदर ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहती। और आपको पता है कि जो BSTC का पेपर है वो अब आपको कितने दिन हो गए, कितने दिनों बाद लगा है, तो अब बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। आप बेसब्री से घर पर बैठ जाइए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने ही वाला है। और जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, या रिजल्ट को लेकर कोई नई नोटिफिकेशन, नई गाइडलाइन जारी की जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी जो नोटिफिकेशन आए BSTC 2020 के रिजल्ट को लेकर वो मैं आपको सबसे पहले बता सकूं। और फ्रेंड्स, BSTC की जो कट ऑफ है वो इस साल बहुत कम रहने वाली है, उसका कारण मैंने बता दिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर देख सकती हैं कि BSTC की जो कट ऑफ है वो बहुत कम क्यों रहने वाली है। ये पूरे कारण मैंने प्रूफ सहित उसके अंदर बताए हैं, मैंने बनाया था वीडियो, आप देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जब आप जाएंगे नीचे आउट स्टडी उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों ये जारी हो, क्यों कट ऑफ कम रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आने वाला है डेट के अंदर, तो अगले मैं आपसे कहूं तो 20 दिन के अंदर अंदर जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अधिकारी आपको पता है सभी फ्री है इसलिए वो जल्दी से जल्दी इसको रिजल्ट को घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी घर पर फ्री हैं। और वैसे तो अधिकारियों का क्या काम, ये तो चेक आपको पता है ओमार शीट मशीन से चेक होती है। तो जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 दिनों के अंदर अंदर। और 11 सितंबर वाली जो बात है वो सच नहीं है, इस दिन रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। Close till I get up. Time is barely on our side.